क्वेश्चन जहां देखने को मिले थे वहीं अभी भी एक तबका लगातार विरोध कर रहा है। वहीं इस मामले में क्या बड़ा खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। पीएफआई और सीएए का कनेक्शन, पीएफआई फंडिंग से जुड़ी जानकारी मिली, रिहाब इंडिया फाउंडेशन की मिली सूचना, प्रदर्शन जारी रखने के लिए हुई फंडिंग। सीएए को लेकर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। प्रयागराज, मुंबई, लखनऊ, हर जगह प्रदर्शन हुए तो दिल्ली के शाहीनबाग में लगातार प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में कई बार देश विरोधी नारे भी सुनाई दिए तो कई बार जहरीली जुबान भी सुनाई दी। अब ईडी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे हड़कंप मच गया है। ईडी को जानकारी मिली है कि देश में सीएए के विरोध में प्रदर्शन जारी रखने के लिए पीएफआई ने फंडिंग की है। ईडी को पीएफआई और उससे जुड़े 73 खातों की जानकारी मिली है। ईडी को मिली 73 बैंक खातों की जानकारी। नामी वकीलों को करोड़ों रुपए दिए गए। 134 करोड़ रुपए सीएए प्रदर्शन पर खर्च। शाहीन बाग के लिए खुले बैंक खाते। इससे पहले यूपी में भी हुई हिंसा के पीछे पीएफआई का नाम सामने आया था, जिसके बाद से यूपी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी तेज कर दी थी। खबर है कि पीएफआई के बैंक अकाउंट से देश के कई बड़े वकीलों को पैसे दिए गए। पीएफआई हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इसी में उस विचारधारा के लोग बटे हुए हैं जो सिमी में थे, और सिमी एक आतंकी संगठन डिक्लेयर है हमारे यहाँ। यही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सदस्य हैं। यही लोग हैं जो देश में अराजकता फैलवाते हैं, देश में उपद्रव फैलाते हैं, देश में माहौल खराब करते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर 120 करोड़ रुपए जमा किए गए और उन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। आपको बता दें कि पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि ये कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसके आईएसआईएस और सिमी के साथ भी रिश्ते हैं। वहीं शाहीनबाग प्रदर्शन भी देश में सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शाहीनबाग के बहाने विरोधियों पर हमला बोला। जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता। सीए प्रदर्शन में पीएफआई फंडिंग को लेकर हुए खुलासे से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जांच एजेंसियां अब इस खुलासे की पूरी तफ्तीश में जुटी हैं। पीएफआई ने नेहरू प्लेस स्थित सिंडिकेट बैंक से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पैसे भी ट्रांसफर किए गए, जिसमें शामली, डासना, हापुड़ और बहराइच का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल इस मामले में ईडी अपनी जांच जारी रखे हुए है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नारे लगवाए हैं। अनुराग ठाकुर ने रिठाला रैली में नारे लगवाए हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे।